ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। सो इट सेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर ए इज 10। टेक द पोटेंशियल एट 10,20 टू बी 0। फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। फाइन, सो व्हाट इज गिवन। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखी है 10x i कैप। जो आई कैप है वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। सो आप देखो कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है, राइट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, देन जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही चेंज होगा। जब आप एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे तभी आपका जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा। वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में मूव करने पे जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में, देन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होंगे वो आपके इक्वी पोटेंशियल प्लेन होंगे, है ना। इक्वी पोटेंशियल प्लेन मीन्स जो पोटेंशियल है हर पॉइंट का सेम होगा। सो इक्वी पोटेंशियल जो प्लेन होंगे वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। सो इस प्लेन में आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करोगे देन आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल कब चेंज होगा? जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे। और यू कैन से कि जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तभी आपका पोटेंशियल चेंज होगा। सो पोटेंशियल चेंज होने का जो कारण है वो है एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। नाउ दो पॉइंट मुझे दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जो पॉइंट ए है दैट इज 10,20 एंड जो पॉइंट बी है दैट इज ओरिजिन 0,0। सो मुझे सिर्फ एक्स 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 कोऑर्डिनेट से मतलब है ना। जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 0 है, इसका कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। सो पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, लेट्स से एक्स इनिशियल, वो है 10, और जो पॉइंट बी है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, लेट्स से एक्स फाइनल, वो है 0। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होता है दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। सो यहाँ पे आप देखो माइनस इंटीग्रेशन ई की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ए एक्स आई कैप, राइट, और ए की वैल्यू 10 है। सो लाइक क्वेश्चन में दे रखी है ए की वैल्यू 10। सो ये हो जाएगा 10x आई कैप, राइट। सो ई की वैल्यू हो जाएगी 10x, और जो आपका डी आर है ना वो हो जाएगा dx, बिकॉज हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे फोकस करेंगे। सो आप देखो कि ये जो है आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। लिमिट कहाँ से आएगी? लिमिट जो है आपका एक्स इनिशियल कितना है 10 और एक्स फाइनल है 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं 10 से लेकर के 0 तक, है ना। सो इनिशियल हो जाएगा 10, लोअर लिमिट हो जाएगी 10 और अपर लिमिट हो जाएगी 0। सो देखो ये जो 10 है ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। सो माइनस और ये हो गया 10 इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स का। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट्स है वो है 10 से लेकर के 0 तक। अब पुट करो माइनस 10, एक्स की पहले हम अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2, देन माइनस आएगा, फिर एक्स की लोअर लिमिट विच इज 10, सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। सो ये देखो कितना आ रहा है, माइनस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस 50। सो ये कितना निकल के आ रहा है, 500 वोल्ट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो ये डेल्टा वी की वैल्यू है। नाउ डेल्टा वी क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मीन्स जो आपका यू नो इनिशियल था, देखो जो एक्स इनिशियल था वो था 10 और जो एक्स फाइनल था वो था 0, राइट। सो बेसिकली ये जो वी एफ है ना, ये है पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो आप देखो जो उसने कहा है कि एक्स इज इक्वल टू 10 है ना, पॉइंट ए पे जहाँ पे आपका एक्स इज इक्वल टू 10 है वहाँ पे आपको पोटेंशियल 0 लेना है। सो आपका जो इनिशियल पोटेंशियल है ना वो 0 है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल है एक्स इज इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू कितनी है, 500। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड मिस्टर फ्लक। बाय।